हालेलुया, सबको जय मसीह की। स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल में। डेली वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें। आइए हम सब मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन जी उठने का दिन। जिस तरह यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 14 की 26 आयत में लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर में पवित्रता से आगे बढ़ते जाते हैं, तो जब आप परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, तो आपको यह चिंता नहीं होती कि आपने क्या बोलना है। बाइबल कहती है कि पिता का आत्मा तुम में होकर बोलेगा। एक बात आपको हमेशा समझ आनी चाहिए कि आपका अच्छा प्रचार आपकी पढ़ाई से कभी नहीं निकलता कि आपने बाइबल की अच्छी पढ़ाई की है और आप एक प्रभावशाली प्रचार कर सकते हैं। हमेशा अच्छा प्रचार तब आपसे निकलता है जब आप कई कई घंटे घुटनों पर प्रार्थना करते हैं। मैं जानता हूं कि परमेश्वर अपने लोगों को वचन के द्वारा चंगा करता है, आजाद करता है। जो वचन आप ध्यान से सुनते हैं वे प्रैक्टिकली आपके जीवन में पूरा होते हैं। ईस्टर से पहले मैंने जैसे ही बाइबल उठाई तो परमेश्वर ने पहली बार मुझे भविष्यवाणी के तौर पर मुझे दर्शन दिया और मैंने दरस को देखा तो मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर आप मुझे दाखरस क्यों दिखा रही हैं? क्योंकि कल तो ईस्टर के दिन मुझे यह लोगों को बताना है कि परमेश्वर हमारे लिए मर गया, उसने हमारे लिए कौड़े खाए, दुख सहा और वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा ताकि हमें उद्धार मिले। पर क्योंकि पवित्र आत्मा सबसे ज़्यादा जानता है कि आपको क्या बताना चाहिए, परमेश्वर ने कहा कल मेरे लोगों को दाखरस के बारे में बताना, क्योंकि दाखरस का मतलब है कि मैं अपने लोगों को जीवन दूंगा और ताकत दूंगा। परमेश्वर कहते हैं उनको बोल कि इनके जीवन में चाहे कुछ भी मरा हुआ क्यों ना हो, चाहे वह बिजनेस हो, वो शरीर हो, वो रीढ़ की हड्डी हो, वो टांग की हड्डी हो, वो आपका विवाहित जीवन हो, वो सब इस वचन को सुनने के द्वारा जी उठेगा। परमेश्वर ने कहा कि मैं इस चर्च के लोगों की शर्म को खत्म करने जा रहा हूं और मैं इनके जीवन में एक नया सीजन शुरू करने जा रहा हूं, जो अद्भुत चिन्हों से भरा हुआ होगा। इसलिए परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करें और घुटनों के बल परमेश्वर के साथ रोज समय बिताएं। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करें। आमेन, आमेन, आमेन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आज का वचन मेरे लिए मेरे जीवन में 100 गुना फल को लेकर के आए और वो पल बना रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करें। आमेन।